हेलो नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीजी के तीसरे राउंड का रिजल्ट जारी कर दिया है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में हो चुका है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि डीयू में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं हो पाया है। तो उन सभी बच्चों को डीयू पीजी एडमिशन के स्पोर्ट राउंड का बेसब्री से इंतजार है। तो भाई, यह स्पोर्ट राउंड कब तक आएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे मौका मिलेगा आपको, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यह एक नोटिस है CSASPG का, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसमें डीयू ने साफ साफ सारी चीज़ें जो है लिख के हिंदी और इंग्लिश में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्पॉट एडमिशन। ठीक है, तो अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं कि किन किन चीज़ों से आप गुजरने वाले हैं स्पॉट एडमिशन में। ठीक, तो सबसे पहले कि नियमित CSASPG 2024 राउंड के पूरा होने के बाद यदि सीटें खाली रहती हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश के स्पॉट राउंड की घोषणा कर सकता है। ठीक है ना, अगर सीटें खाली रहेंगी रेगुलर के बाद, अगर सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डीयू पीजी एडमिशन का तीसरा राउंड आ चुका है, चौथे राउंड का कोई भी शेड्यूल डीयू ने जारी नहीं किया है, तो चौथा राउंड आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो अगर तीसरे राउंड के बाद ये अपना रेगुलर राउंड का एडमिशन क्लोज कर देते हैं तो बाद में बची हुई खाली सीटों के लिए इनकी तरफ से स्पॉट राउंड का घोषणा किया जा सकता है। ठीक, जिन उम्मीदवारों ने CSASPG 2024 के लिए आवेदन किया था लेकिन स्पॉट एडमिशन राउंड की घोषणा की तारीख पर उन्हें किसी भी विभाग केंद्र कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, वे स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। देखिए, अगर आपने CSASPG के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और आपको रेगुलर राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है तो आप जो है स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। ठीक, अगर आपको कोई भी सीट मिल गई है, चाहे वो पसंदीदा सीट हो, चाहे आप को ऐसे ही मिल गया, जैसे आप चाहते हो कि मुझे गार्गी कॉलेज में एडमिशन मिले, ठीक है, लेकिन आपको गार्गी न मिल के जाकिर हुसैन मिला हुआ है, तो भी आप जो है स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है ना, यानी कि कोई भी सीट अगर आपको आवंटित नहीं है तभी आप स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। अगला क्या है कि स्पॉट राउंड की घोषणा से पहले सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को अपग्रेड का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। प्रवेशित उम्मीदवारों के अपग्रेड के बाद स्पॉट राउंड के लिए सीटों की रिक्त घोषित की जाएगी। ठीक है, यानी कि तीसरे राउंड में सभी बच्चों को अपग्रेड का मौका मिलेगा। अगर आपका सीट अपग्रेड हो जाता है, ठीक है ना, और अपग्रेड होने के बाद जो भी सीटें खाली बचती हैं उनके लिए क्या होगा भाई, स्पॉट राउंड की घोषणा की जाएगी। स्पॉट एडमिशन की घोषणा पर सभी प्रवेशित उम्मीदवारों के डैशबोर्ड को फ्रीज मोड में रखा जाएगा, उन्हें न तो अपग्रेड के लिए विचार किया जाएगा और न ही प्रवेश वापस लेने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जैसे ही स्पॉट राउंड का घोषणा किया जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, तो सिर्फ आपके पोर्टल पे फ्रीज का ही ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, आपके पोर्टल पे फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, ना ही आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं और ना ही अपना एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, स्पॉट एडमिशन राउंड में विचार किए जाने के लिए उम्मीदवार को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से स्पॉट एडमिशन का विकल्प चुनना होगा, और जैसे ही स्पॉट एडमिशन शुरू होगा आपको अपने डैशबोर्ड के माध्यम से स्पॉट एडमिशन का विकल्प चूज करना होगा। इसके बाद प्रत्येक स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए विश्वविद्यालय प्रत्येक कार्यक्रम की रिक्त सीटें प्रदर्शित करेगा, एक इच्छुक उम्मीदवार केवल एक कार्यक्रम का चयन करने में सक्षम होगा। यानी कि स्पॉट एडमिशन में आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अपना काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि स्पॉट एडमिशन का विकल्प सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कोर्स में चुनने का मिलेगा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, स्पॉट एडमिशन में आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, सीटों की उपलब्धता, कितनी सीटें खाली हैं, कार्यक्रम विशिष्ट मेरिट, विभाग केंद्र महाविद्यालयों का वरीयता क्रम और श्रेणी। ठीक है, इसके बाद कोई अन्य आवंटन नियम नीतियां या मानदंड जैसा कि इस दस्तावेज यानी कि CSASPG का जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें इन्होंने जो ये दिया हुआ है या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित है, अभ्यर्थी को स्पॉट राउंड में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्पॉट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट
स्वीकार करने में विफलता पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता समाप्त हो जाएगी और वह सीएसएस पीजी से बाहर हो जाएगा। यानी कि स्पॉट एडमिशन में आपको कोई भी सीट आवंटित होती है तो उस पर आपको एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद एडमिशन स्पॉट एडमिशन राउंड के दौरान अपग्रेड और वापस लेने का विकल्प नहीं होगा। यानी कि आपको स्पॉट राउंड में कोई भी सीट मिलता है तो ना ही आप उस सीट को अपग्रेड कर सकते हैं और ना ही उस सीट को वापिस यानी कि कैंसिल करा सकते हैं। ठीक, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी वो जो आपके पैसे हैं वो आपको वापिस नहीं मिलने वाले हैं। ठीक, किसी विशेष स्पॉट राउंड एडमिशन में आवंटित सीट अंतिम होगी और स्पॉट एडमिशन राउंड के किसी भी अगले राउंड में अपग्रेड नहीं की जाएगी। तो सिंपल सी बात है, स्पॉट राउंड तभी आता है जब सीटें खाली रह जाती हैं किसी भी विश्वविद्यालय में। ठीक, स्पॉट राउंड में अगर आपको कोई भी सीट आवंटित होता है तो वह सीट ना तो अपग्रेड होता है और ना ही आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। भले आपने फी पेमेंट कर दिया तो और फी पेमेंट करने के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। ठीक है ना, स्पॉट राउंड में अगर आपको सीट का आवंटन हुआ है तो अच्छे से समझ लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। स्पॉट राउंड कब आएगा इसका घोषणा जो है अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं किया गया है। तो अगर कोई आपको डेट बता रहा है तो अफवाहों में आने से बचिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि स्पॉट राउंड की घोषणा कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही। इन्होंने अगर ये लिखा होता कि प्रवेश के लिए स्पॉट राउंड का घोषणा करेगा तो पक्का था कि आएगा, लेकिन अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको इंतजार करना है। तीसरा राउंड का जो डेट है वह 21 तारीख को शाम तक फी पेमेंट की लास्ट डेट है और इसके बाद जो भी सीटें खाली रहेंगी ये जो है स्पॉट राउंड के लिए घोषित करेंगे अपग्रेड वगैरह करने के बाद। ठीक है, क्योंकि नियमित जो है तीन ही राउंड आना था। ठीक है, नियमित तीन राउंड आना था, चौथा का कोई भी शेड्यूल डीयू ने जारी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कीजिएगा, यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आप सभी लोगों के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि डीयू पीजी की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।